अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। रमज़ान का दूसरा अशरा सबको मुबारक हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रशियन सैलड। तो उसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल आलू, उसके साथ एप्पल काट लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिए मटर और कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स ले लिए। तो इनको मैंने फ्रोज़न लिए थे, तो मैंने इनको गर्म पानी में थोड़ी देर डाला और मैंने उसे निकाल लिए। तो ये देखिए, अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लिए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच मेयोनीस है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई अच्छा लगता है सैलड। तो इसमें ज़्यादा मेयोनीस नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से ही बिल्कुल तो अंदर गुम हो जाएंगे जो चीज़ों में डाली है। तो इसलिए बिल्कुल एक चम्मच ही डालना है। तो मुझे एप्पल थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने इसलिए एक एप्पल और काट के डाल दिए इसमें। आपकी चॉइस, आप कोई सा भी फ्रूट्स या वेजिटेबल ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर एक चम्मच डाल रही हूँ मेयोनीस। तो ये देखिए, मेयोनीज़ डाल लिया, कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया। मेयोनीज़ डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस ये चीज़ें चल जाएंगी। और इनको अच्छे से दोबारा हम मिक्स कर लेंगे। तो जी ये देखें, हम हमारे से अच्छे से मिक्स हो गए, यम्मी सा लग रहा है बिल्कुल। तो हर एक फ्लेवर, हर एक चीज़ का अपना फ्लेवर आएगा। एप्पल का अपना आएगा, बॉयल पोटैटोज़ का अपना आएगा, कॉर्नस और मटन सब का अपना अपना आएगा। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे पाइनएप्पल भी। तो जी ये इसकी फाइनल लुक है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो उसके बाद मैं अब तैयार करने लगी हूँ चिकन पॉपकॉर्न। तो उसके लिए मैंने ले लिया बोनलेस चिकन। तो ये बोनलेस चिकन का मैंने क्यूब्स की सूरत में काट लेना, छोटे छोटे क्यूब्स पॉपकॉर्न की शक्ल बनाने के लिए ना, छोटे छोटे क्यूब्स डाल लेना है। ये भी थोड़ा सा बड़ा, इसका भी मैंने हाफ कर देना है। तो जी ये बन गई, इसी तरह मैं सारी काट लूँगी। जी ये देखिए, मैंने छोटे छोटे काट लिए, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब डिफरेंट ही डालना है, क्योंकि पॉपकॉर्न की शक्ल कोई एक होती तो नहीं है। तो ये मैंने फ्रोज़न ही काटे हैं, क्योंकि इसी इतना इसको मैरिनेट करने के लिए रखूँगी। और जब मैं उसको ऑयल में फ्राई करूँगी, तो ये बिल्कुल अपनी शक्ल इसी तरह होल्ड करके रखेंगे। तो उसके बाद मैंने अब इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। 3 चम्मच मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर के। जी ये जा रहा है दूसरा, और अब आएगा इसमें 3रा चम्मच। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच और भी इसमें ऐड कर दिए। तो ये हो गया 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो इसमें 4 चम्मच डालेंगे। उसके बाद हमने डालना है रेड चिली पाउडर। अगर आप स्पाइसी खाने तो 2 चम्मच डाल सकते हैं, तो एक रेड चिली काफ़ी होता है। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, और 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। ये चला के बल, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मैं से एक लिए मिस हो गया, उसमें था, इसमें डालना था क्यूमिन सीड्स में ज़ीरा पाउडर भी डालना था। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है अंडा। ये अंडा डाल के इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। जी ये देखिए, मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जी ये मैंने अब अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और बस मैं यही कहूँगी कि मैं कोई इतनी बड़ी कुक नहीं हूँ, मतलब मैंने भी अभी शादी के बाद ही कुकिंग सीखी है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है बनाना, वो मैं बना के उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जो चीज़ अच्छी नहीं बनती, वो फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती। तो ये देखिए, अच्छे से मैरिनेट हो गया। मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था इसमें, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स और कोट इसके ऊपर हो गया। तो हम इसको थोड़ी देर रख देंगे, ताकि अच्छे से एक दूसरे के ऊपर कोट हो जाए, चिकन के ऊपर ये सारा जो हमने मैरिनेट बनाई अच्छे से कोट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करने के लिए ना 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप 20 मिनट भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिए। अब ऑयल में मैं यही डाल के चेक करूँगी कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो ये मैंने एक लिया और डाल के देखी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी मैरिनेट डाल के देखूँगा, अगर वो ऊपर आ जाएगा फ़ौरन, तो इसका मतलब ऑयल हमारा गर्म हो गया। जी ये देखिए, मैंने थोड़ा सा डाल के देखा है, तो ये फ़ौरन से ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसमें एक एक पीस उठा उठा के डालना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर इसकी मैंने फ्लेम फुल रखी हुई है। जैसे ही सब मैं डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसकी फ्लेम लाइट कर दूँगी, ताकि अच्छे से भी अंदर से भी अच्छे से पक जाए। वैसे चिकन को पकने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं चाहिए होता, लेकिन कोटिंग भी अच्छे से ब्राउन, इस तरह फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो कोटिंग तो बिल्कुल डार्क हो जाएगी अंदर तक पकाने तक। तो इसलिए हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, तो ऊपर से कोटिंग भी लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसी भी हमें चाहिए होगी वो भी आ जाएगी, और अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया। मैं चम्मच फेर रही हूँ, इनको ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छे से वो ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो इसको 5-10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना। तो ये देखें जी, अच्छे से मैं लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। तो मैंने एक उठा के अभी इसको चेक किया,
एक निकाल के मैं इसको चेक करूँगी अंदर से पक गया कि नहीं। देखें बिल्कुल नरम जूसी सा चिकन अंदर से पक गया हुआ है। और ये मैंने डाल दिया और ये मैंने सारे के सारे इंस्टा निकाल दिया। और सेम मैं इसी तरह जो दूसरा बैच था उसको भी फ्राई पैन में डाल दूँगी और यहाँ पर मैं इनको उल्टा नीचे करके पकने के लिए रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो जी ये पक जाएंगे उतनी देर में। मैं अब रायता तैयार कर रही हूँ दही का। इसमें नमक डाले, काली मिर्च डाली या क्यूमन सीड्स का पाउडर डाल दिया तो ये बहुत मज़े का टेस्ट लग जाता है। और साथ ही मैंने बिरयानी राइस बना ली है तो इसके हम खाएंगे चिकन पॉपकॉर्न के साथ। तो जी अब मैं अपनी टेबल दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा बेटा है, इसको जूस सबसे पहले बहुत पसंद है तो मैंने ये 3 बोतल्स लेके आई थी ताकि मैं इसमें आप जूस बनाया करूँ ताकि गिलास में गिरे भी ना इधर उधर और आराम से स्ट्रॉ से पी भी ले, क्योंकि इसको शौक़ बहुत है स्ट्रॉ से पीने का। तो जी ये देखिए मैं आप टेबल को थोड़ा सी उधर अरेंज कर रही हूँ तस्वीर बनाने के लिए। तो ये हो गया अच्छे से। ये मैंने राइस बनाए थे कल तो मैंने आज वहीं गर्म कर लिया। और साथ ये रशियन सैलड बनाया है, खजूर, और ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गए। तो इसी के साथ मैं दूसरे अशे की सबको मुबारकबाद दूँगी और दुआ करूँगी कि लामिया सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, सबके रिस्क में बरकत अदा करें। और ये देखिए मेरा छोटा सा प्रिंस भी टांगे मार मार के आवाज़ निकाल निकाल के मुझे बुला रहा था। तो जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।